साथी भाई, आपके पूरे घर का नाप हमने ले लिया है। वंडरफुल। मेरी एक इच्छा है कि मैं अपने क्लिनिक को थोड़ा बड़ा कर दूं। हैं ठीक अच्छे एकदम हो जाएगा। गुड। और सतरंगी भाई, मेरी कोमल को किचन में बहुत मेहनत करनी पड़ती है, उसका ज्यादातर टाइम वहीं जाता है, तो आप किचन को थोड़ा ऐसा कंफर्टेबल बना दीजिए कि कभी बैठ के भी खाना बना सके, मतलब थोड़ा कंफर्टेबल हो जाए। किचन तो एकदम हाईटेक बनाना, मैं बोलूं बेसन के लड्डू तो बेसन के लड्डू तैयार हो जाए, मैं बोलू जूस तो मिक्सर ग्राइंडर जूस तैयार कर दे। ये मुझसे तो नहीं होगा, एक काम करना, तू भी बड़ा होके ऐसे किचन का आविष्कार करना। सही बात है। और हाँ सप्तरंगी भाई, मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग, बोलिए, पूरे घर का इलेक्ट्रिक वायरिंग ऐसे करना कि कभी शॉर्ट सर्किट ना हो, प्लीज। हाँ ये तो बहुत ही जरूरी है। अरे आप बिल्कुल फिकर मत कीजिए, बिल्कुल ऐसे ही होगा। चलो सप्तू अभी चलते भेड़े भाई के घर। ओके भीड़े भाई, अब आप बताइए आप क्या चाहते हैं। माधवी तुम बोलो क्या होना चाहिए। हाँ लेकिन जो भी होगा वो एक फिक्स बजट में होना चाहिए। हाँ पूछो। मतलब ऐसा जरूरी नहीं है कि बजट फिक्स ही हो, थोड़ा सा ऊपर नीचे होगा तो भी चलेगा। बोलना था मुझे ना बड़ा किचन चाहिए और उसमें काफी सारे कप्पे चाहिए। कैबिनेट। हाँ कैबिनेट। कैबिनेट वो क्या है ना, आई का अचार पापड़ का बिजनेस बहुत बढ़ गया है, सो वी नीड मोर कैबिनेट। हाँ जरा। ओके नो प्रॉब्लम, एकदम नोट कर लिया है। और हाँ सप्तरंगी भाई क्या है, मैं एक में सेक्रेटरी के साथ साथ एक शिक्षक भी हूँ, मतलब यहाँ पे मेरे स्टूडेंट्स पढ़ते हैं, तो मैं सोच रहा हूँ कि इस बार ना थोड़ा सा ये मेरे जो बेंच है, ऐसी हालत हो गई है बेंच की, टूट भी गए, तो सोच रहा हूँ थोड़े नए बनवा लूँ। बहुत बड़ा, 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 बड़ा। हाँ बड़ा तो चाहिए और पुराने भी हो गए, तो थोड़ा नए बेंच बनवा लेते हैं। अरे भीड़े भाई बनवाने जाएंगे तो बहुत महंगा पड़ जाएगा है, उससे अच्छा आप रेडीमेड ले लीजिए, मार्केट में यही तो चल रहा है। क्या है सस्ता भी हो जाएगा, आपको वैरायटी भी मिल जाएगा। हाँ तो जैसे आप बोलो, मतलब रेडीमेड तो रेडीमेड है। चलो तुम बताओ तुम्हें तुम्हारा बेडरूम किस तरह से डिजाइन करना है। हैं बोलो। अंकल मेरे रूम का कलर थीम पिंक होना चाहिए। पिंक। और एक अच्छा सा स्टडी टेबल और एक लैपटॉप स्टैंड। स्टडी टेबल। एक मिनट एक मिनट, वो लैपटॉप स्टैंड मत लिखना। लैपटॉप स्टैंड की क्या जरूरत है, सुनो अपने पास डेस्कटॉप है ना। बाबा आगे चल के लैपटॉप आएगा ना। वो आगे चल के आएगा ना, तो उसके लिए अभी से खर्चा करने की क्या जरूरत है। हां समझो जरा ये ना। सुनो एक्सेप्ट कर ले वरना जो मिल रहा है वो भी नहीं मिलेगा। काय काय काय। नहीं नहीं बाबा बरोबर बोलता है, ऐसे सांगते। हां इन शॉर्ट सप्तरंगी भाई हमें जो भी करना है एक फिक्स बजट में ही करना है। ओके ओके भीड़े भाई आप बिल्कुल टेंशन मत लीजिए, सब आपके बजट में होगा। बजट की तुझे फिक्र ना करो सप्तरंगी प्रा, और फर्स्ट क्लास रेनोवेशन करो, इतना बढ़िया ब्यूटीफुल कि मेरी रोशन डार्लिंग और मेरा गोगी पुत्र खुश हो जाए। हैं एकदम हो जाएगा, लेकिन आपको हमको ये बताना पड़ेगा कि आपको अपने घर को कैसे रिनोवेट करना है, तभी हम आपके घर को रिनोवेट कर पाएगा। अंकल मुझे स्विमिंग को बहुत शौक है, आप मेरे रूम में एक छोटा सा स्विमिंग पूल बनवा दो। ओ बढ़िया आइडिया, बना दो जी बना दो। रोशन बोलनी सोनिया। अरे रोशन घर में स्विमिंग पूल कैसे बना सकते हैं। अरे सोनिया तू भी कमाल करती है यार, और मैं गोगी पुत्र के साथ मजाक कर रही हूँ यार। लेकिन पापा मैं मजाक नहीं कर रहा हूँ, घर में नहीं तो गैलरी में, गैलरी में नहीं तो कंपाउंड में, मुझे स्विमिंग पूल चाहिए। गोगी ऐसा पॉसिबल नहीं है बेटा। हाँ मुझे स्विमिंग का बहुत शौक है, मुझे बहुत मजा आता है सब पानी में। प्लीज शांत है जा। जो हमने स्पोर्ट्स टीम नक्की किया था ना। हाँ तो सप्तरंगी भाई हम लोग है ना गोगी के रूम में स्पोर्ट्स टीम रखते हैं। ओके। अरे हमारे बेडरूम में ना फर्स्ट क्लास रोमांटिक थीम रख दो जी। अरे डोंट वरी, हम आपके रूम को एकदम उड़ी पापा डिजाइन बना देगा, उड़ी पापा। पापा
ना जी, बाबा जी वाला कोई डिजाइन नहीं बनाना है। क्या है ना, वो हमारा रोमांटिक रूम है तो रोमांटिक थीम ही चाहिए जी। अरे ना ना, आप नहीं बूझते पाचे ना, मतलब हम आपका 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 तीनों का पॉइंट मिक्स करके एकदम धमाल डिजाइन बनाएगा है। धमाल, बले 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 बले। धमाल डिजाइन एक दिल खुश कर देता यार। नेक्स्ट कार्ड कौन सा है? जेठा भाई। थैंक यू बबीता जी, सत्तू भाई के साथ आप भी आए। अरे इसमें थैंक यू क्या जेठा जी? नहीं नहीं, फर्क पड़ता है ना। मींस हैं? मतलब? मतलब कि आपको भी ज्ञान है वो एंट्री डेकोरेशन का। ये मैंने इंटीरियर डिजाइनिंग। हाँ हाँ, तो आपके ज्ञान का लाभ हम भी उठा सकते हैं ना। आपको मेरी सलाह की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, सब तो आपके सजेशन के मुताबिक आपके घर को परफेक्टली डिजाइन करके देगा। फिर भी आपके जैसा नहीं कर पाएंगे ऐसा मुझे लगता है। ऐसा कुछ नहीं। ये लोग अभी तक आए नहीं? नहीं, लगता है अभी तक नापम नापी चालू है। बेटिया हो गया, दोनों घर का नाप हो गया। हाँ, इसी के साथ सबके घर का नाप लेने का काम पूरा हो गया। अब्दुल भाई आप थक गए हैं ना? हाँ। तो सबसे पहले जूस आप पीजिए। सॉरी, यहाँ वो बैठने का कुछ है नहीं, वरना मैं आपको बोलता बैठ के पीजिए। अरे इसमें क्या है, मैं नीचे बैठ जाता है। चलो नीचे बैठ जाता है, बैठ जाता। अरे बबीता जी, आप एक मिनट, में आपके लिए कुर्सी लेके आता हूँ। नहीं जेठा जी, आई एम गुड, मुझे कुछ नहीं चाहिए। अरे नहीं नहीं बबीता जी, हम लोग सब बैठे और आप खड़े रहे, अच्छा नहीं लगेगा। अरे नहीं नहीं, क्या एक मिनट, आपको मत बोलिए प्लीज। अब्दुल नहीं, तू रहने दे। टप्पू बेटा आ तो जरा, हम लोग बबीता आंटी के लिए खुर्ची लेके आते हैं। आजा। अरे नहीं, रहने क्या दीजिए। आजा बेटा, आजा 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 आजा। अरे आजा, अरे ये एक मदद करूं। अरे एक मिनट, मैं फंस गया दया। आई आई बैठे बैठे बबीता जी, आइए बैठे। क्या जरूरत है? अरे नहीं नहीं, तो ऐसा थोड़ी होता है, सब बैठे आप खड़े बैठे बैठे। पर चाचा जी नीचे बैठे। अरे नहीं नहीं बबीता बेटा, तुम बैठो, मुझे तो यहाँ नीचे ही अच्छा लगता है। हाँ हम गांव वाले, हमको तो नीचे ही मजा आता है। हम तो पता है पहले खाना भी नीचे बैठ के खाते थे। बैठे बैठे। अब आप ये कहिए कि आप लोगों को कैसा घर डिजाइन करवाना है? जैसा दया कहे। वाह, आपके और गोकुल धाम के सभी घरों में स्त्री का कितना सम्मान है। तो क्या है कि गोकुल धाम में हम सब लोग बहुत संस्कारी है। बता बता दया, तुझे घर कैसा चाहिए सत्तू भाई को बता दे। है वो क्या है टपू पापा, मैंने ऐसा सोचा कि घर गांव जैसा हो। गांव जैसा मतलब? सादा और सुंदर, दीवार पर गोबर के उपले लगे हो। मम्मी डोंट टेल मी, तुम घर में गोबर लगाने का सोच रहे हो? नहीं नहीं, मेरा मतलब है कि गोबर जैसा रंग, मतलब वो मेहंदी रंग होता है ना, मेहंदी कलर, वो चाहिए मुझे दीवार पर। नहीं नहीं मम्मी, मेहंदी कलर बहुत डार्क कलर हो जाएगा, पूरे घर में अंधेरा अंधेरा हो जाएगा। एक काम करते हैं बेटा, दीवार पे दया रंग कौन सा करेंगे वो सब बाद में नक्की करेंगे। तू अभी है ना सत्तू भाई को ये बता दे कि तुझे सोफा सेट कैसा चाहिए। अरे वो तो मैंने कब से पसंद करके रखा है, लाला भाई की दुकान में मैंने एक मस्त सोफा देख कर रखा है। अच्छा, कहाँ है लाला भाई की दुकान? अहमदाबाद में। अरे अहमदाबाद से सोफा सेट यहाँ मंगाएंगे तो उसका जो भाड़ा लगेगा उसमें दो सोफा सेट और आ जाएंगे। अरे टप्पू के पापा, हमें वहाँ लेने के लिए नहीं जाना है, सोफा अपने आप यहाँ पर आ जाएगा। कैसे? अरे सुंदर हीरा लेकर आएगा ना। हाँ करेक्ट। ओहो, उसमें तो फिर चार सोफा सेट आ जाएंगे। मैं क्या कहता हूँ, ये दीवार का रंग सोफा सेट वो सब बाद में बता देंगे। तू अभी ये बता कि तुझे तेरा इलाका कैसा चाहिए। मेरा इलाका? हाँ मतलब तेरा किचन, उसमें तुझे क्या क्या चाहिए। बताती हूँ,
क्या हुआ? एक मिनट आई हूँ। आई आई। क्या था? ये देखिए डब्बू पापा, ये मैंने कुछ फाटा जमा करके रखे हैं। हाँ, परसों से मैंने सोच के रखा था कि जब भी हम घर में रिनोवेशन करवाएंगे ना, तो मैं ऐसा कुछ करवाएंगे। वाह बहुत बढ़िया है बबीता जी, देखा आपने? अच्छा है ना, वहां से बापू जी को देखा था डब्बू? हाँ ये देखिए दादा। वाह वाह, घर अगर ऐसा हो जाए तो एकदम सुंदर लगेगा। है ये देखिए अंकल, शिफ्ट है, ये देखिए। That खूब भालो ना? Nice, very good. आप जैसा बोलेंगे ना दया भाभी, हम वैसा कर देगा, हैं? खूब भालो। अभी बापू जी, आपका और टप्पू का जो रूम है वो आप लोगों को कैसा चाहिए वो सतपू भाई को बता दीजिए। सब तो हमारे रूम में ऐसी सिस्टम चाहिए कि चुटकी बजाते ही लाइट्स ऑन और चुटकी बजाते ही लाइट्स ऑफ। क्यों ऐसा स्विच क्यों चाहिए बेटा? वो क्या है ना पापा, बहुत बार रात को दादाजी को बाथरूम जाना तो स्विच ढूंढने में बहुत तकलीफ होती है। बहुत बार मेरे चप्पल, शूज या फिर बॉल कोई भी चीज से दादाजी टकरा जाते हैं। अरे तो पलंग पर लेटे लेटे देखने की बजाय उठ के वो लाइट चालू कर देने की ना बेटा। अरे पापा, जब तक मेरी आँख खुलती है तब तक दादाजी ठोकर खा चुके होते। और ये तू सब अभी बता रहा है बेटा? नहीं नहीं सतपू भाई, तो उनके कमरे में सब चपटी वाली लाइट लगा देना। हाँ। ले बस। और हाँ, हमारे रूम में ना मिक्सचर बेड चाहिए। मिक्सचर मतलब बेड का लुक मॉडर्न बेड जैसा, लेकिन जहाँ पर गद्दी रखते हैं ना उसकी जगह पे वो गांव में जैसे रस्सी की खटिया होती है ना वैसी रस्सी। और एक खास बात है सतपू भाई, हमारे घर में जो पाइप लाइन है ना सब बदल देना, ताकि वो जो पानी धीमे धीमे आ रहा है ना वो प्रॉब्लम रहे ही नहीं, है ना? अरे डोंट वरी, एकदम फाटा फाटी हो जाएगा। फाटा फाटी हो जाएगा? नहीं नहीं, he means कि सब कुछ परफेक्ट हो जाएगा। है टप्पू, मैं सबके घर का और क्लब हाउस का सुपर डिजाइन बनाकर संडे को 3 बजे आता हूँ और प्रोजेक्टर में दिखाता हूँ। ओके, हम लोग प्रोजेक्टर रेडी रखेंगे। वेरी गुड। ठीक है भाई, ये संडे 3 बजे की बात पूरे सोसाइटी को बता दो। हाँ बता दे बता दे। चले सब तो? है, चलो चलो चलो। अरे माधवी लवकर चल, घर की नई डिजाइन की मीटिंग के लिए लेट हो रहा है भाई। आते हो, पर अभी टाइम है। अरे मुझे मालूम है टाइम है, लेकिन वहाँ पे मुझे बहुत सारी तैयारी करनी है, प्रोजेक्टर लगवाना है, और एक में सेक्रेटरी लेट होगा तो कैसे चलेगा? गलत उसने। चल। हाँ चल। क्या आप ही तैयार नहीं अभी तक? तैयार नहीं मतलब, तैयारी तो हूँ। ये कुर्ता पहनेंगे आप मीटिंग में? हाँ तो क्यों, माधवी हम लोग शादी में नहीं जा रहे, मीटिंग में जा रहे हैं, और मीटिंग क्लब हाउस में ही है और क्लब हाउस अपने कंपाउंड में ही है। ते माहिती है मला, पर घर के नए डिजाइन को देखने जा रहे हैं तो कुर्ता कैसा मस्त फ्रेश होना चाहिए ना कलर। ये देखो अभी मेरा कैसे ब्राइट कलर का साड़ी है, वैसे ही कहते फ्रेश पाहिजे। नहीं नहीं नहीं, जे कहते राहुल जी भाई, कुछ एक्साइटमेंट ही नहीं है आपको? एक्साइटमेंट मुझे बहुत एक्साइटमेंट है माधवी, लेकिन तुम्हें एक बात बता दूं, सबसे पहले बजट फाइनल होगा उसके बाद डिसाइड होगा कि काम करना है कि नहीं करना है, इसलिए अपने उत्साह पे काबू रखो। अरे हर चीज सिस्टमेटिक होती है हमारे जमाने में। गणपति पापा लेने गए थे तो लेट हो गए थे आप, याद है ना? चलो उशीर हुई। अरे वो एक ही बार लेट हुआ था, मैं बार बार नहीं। डाल लावा। चल ना भाई। आज है ना दाल ढोकले का मस्त बनी एकदम टेस्टी।
गरम मसाला जी को भी बहुत अच्छी लगी। गरम मसाला जी को? हाँ। जल्दी कर, जल्दी कर। मामा, आज तो बहुत काम है। वो सोसाइटी में वो सतरंगी भैया ना, उन्होंने मीटिंग रखी है। वो हमारे घर के डिजाइन बताने वाले हैं। बबीता जी है ना, उनके भाई है माँ। अरे वो है, आप बढ़िया ही काम करेंगे ना माँ। मामा मैं सुन ना, देख घर नया हो जाए ना, फिर तुम्हें और सुंदर विदा को आना ही है। मैं कुछ नहीं सुनूंगी माँ। मामा सुन, अभी वो है ना, वो देर हो गई है ना, तो गरम मसाले ज्यादा गरम हो गए। चलो मैं बाद में फोन करती हूँ। क्या चुप के पापा ये? अरे क्या ये क्या है? एक तो लेट हो रहा है, और कब से बात किया ही जा रही है। मीटिंग में लेट पहुँचे तो बबीता जी क्या सोचेंगे हमारे बारे में? बबीता जी मेरे मतलब है उनका भाई वो सत्तू, वो क्या सोचेगा हमारे बारे में? क्या ही टप्पू के पापा, माँ के साथ सुबह से बात नहीं हुई थी। ओहो, सुबह से तो ऐसे बोल रही है जैसे माँ के साथ बरसों से बात नहीं हुई। और इतनी क्या बात करनी होती है तुझे माँ से? वो आप नहीं समझेंगे। क्या नहीं समझेंगे? अब देखो तब बिना वजह की फालतू की बेकार की बातें करते रहते हैं दोनों। कोई फालतू की बातें नहीं करते हम दोनों, एकदम काम की बातें करते हैं। अच्छा, क्या काम की बातें करते हैं? माँ रोज फोन करके अपने नाम नहीं रखती। ओहो, वो तो सबसे बड़ी फालतू बात है। और तेरी माँ को क्या नए नाम रखने का कोई वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाना है? है? और चलो माना कि तेरी माँ को नए नाम रखने का एक रोग है, एक शौक है, तो अपने बेटे के नए नए नाम रखे ना, मेरे क्यों रखती है? जल्दी कर कहके आपने मेरा फोन तो रखवा दिया, और तब से आप बिना वजह के मेरे साथ फालतू बातें कर रहे हैं, तो अब आपका समय नहीं बिगड़ रहा है। बोलिए। हाँ सुनिए। चलना वे छानी मोनी। शे क्या हुआ? अरे बापूजी आप तैयार नहीं हुए? क्यों, कहाँ जाना? क्लब हाउस में मीटिंग है ना। अरे हाँ, नहीं नहीं तुम दोनों जाके आओ, मुझे आज शाम को मेरे यंग गोल ग्रुप के साथ कृष्ण मंदिर जाना है, तो मैं अभी थोड़ा आराम करूँ। लेकिन बापूजी, और सतपू भाई सबका नए घर के डिजाइन दिखाने वाले, तो आप चलते तो क्या हमारे घर के डिजाइन देख के अगर कुछ सुझाव देना हो तो दे सकते हैं। हाँ, हाँ, बापूजी। अरे भाई देखिए, आप जो तुम दोनों की पसंद वही मेरी पसंद, और वैसे भी मेरा ऐसा मानना है कि घर ईंट पत्थर या डिजाइन से नहीं बल्कि संस्कारों से बनता है। अरे जिसका बेटा इतना आज्ञाकारी हो, बहू इतनी सुशील हो, और जिसका सपू जैसा प्यारा सा पोता हो, उसके लिए तो घर मंदिर के समान। जाओ तुम दोनों जाओ, और हमारे नए घर की डिजाइन नक्की करके। ठीक है बापूजी, चलते। गोळ्या गोळ्या प्रोजेक्टर ठीक से ऍडजस्ट करो बेटा। थोड़ा ऊपर। हाँ हो गया। क्या टिपेंद्र जी, आपके पिताश्री कहाँ है? मैं यहाँ हूँ। क्या हुआ, क्या काम पड़ा मेरा? नहीं ऐसे ही पूछ रहा था कि मैं लेट हूँ कि नहीं। नहीं 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 अरे अय्यर भाई, हाँ? इधर मेहता साहब बैठे हैं। किधर? ये तो खाली है, ये देखो किधर बैठे। अरे वो मुझे बोल के गए कि ये मेरी जगह है, यहाँ किसी को बैठने मत देना ऐसा। आप जय सला। आओ बैठो। यहाँ कोई बैठा तो नहीं? नहीं, मैं बैठा था, इन्होंने उठा दिया। क्यों?
आप ही मुझे बोल के गए थे ना कि ये जगह मेरी है, यहाँ किसी को बैठने मत देना। हाँ, इसीलिए रिकन्फर्म कर रहा था कि इन्होंने किसी को बैठने तो नहीं दिया। मैं सब समझ गया, मैं था आप बैठिए आराम से। क्या सुब्रमण्यम भैया यार, अकेले अकेले आगे बैठो, कैसे हो तुम? अस्सी एकदम चंगा है। वाह 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 सरस। अच्छा तुम लोग का भी हो गया ये सब? हाँ, हाँ, हो गया। अभी आप अपना भाषण शुरू कर सकते हो। चला चला जाकर बोल। चला चलो चलो शुरू कर। बैठ जाओ। अरे सुनिए। हाँ, ध्यान दीजिए। मैं आत्माराम तुकाराम भिड़े, गोकुलधाम सोसाइटी का एक मेल सेक्रेटरी, आपको इस मीटिंग का एजेंडा बता दूं। यहाँ पर ये प्रोजेक्टर रखा हुआ है और यहाँ पर मेरे पीछे स्क्रीन है। सप्तरंगी भाई हमें आज इस प्रोजेक्टर पे हम सबके नए घर के डिजाइन दिखाने वाले हैं। ओहो, अच्छा हुआ तूने बता दिया, वरना मैंने तो समझा कि हम लोग यहाँ पे कोई बढ़िया पिक्चर देखने आए हैं। और इंटरवल में नाश्ता भी मिलेगा। एक मिनट। और डिजाइन दिखाने के बाद सप्तरंगी भाई सबके घर का बजट बताएंगे। सप्तरंगी भाई मेरे ख्याल से अभी आते ही होंगे। और तूने ये सब जो बोला है ना, तेरे को वापस बोलना पड़ेगा। क्यों? ओ भाई अपना पप्पू नहीं आया ना अभी। अरे देवा, हमेशा किसी ना किसी को लेट होना ही है। हाँ अभी ओ गणपति में मूर्ति लेने जा रहे थे तभी तू लेट हो गया था। मैं मीटिंग की बात कर रहा हूँ जेठालाल, समय की किसी को कदर ही नहीं है। अरे हमारे जमाने में भिड़े। अगर तुझे ऐतराज न हो तो एक सलाह दो। क्या? ये घर का रिनोवेशन हो ही रहा है तो साथ में अपना भी थोड़ा रिनोवेशन करा लेना। कभी पासून अपन आपले जमाने मध्ये अडक ले आहे है ना, तक रिनोवेशन करके जरा आमच्या जमानात या, मजा येईल। हेलो एवरीबॉडी, मैं गुड मॉर्निंग में आ गया। क्या मैं आ गया भाई पोपटलाल, इतनी इम्पोर्टेंट मीटिंग में भी तुम लेट हो। अरे मेहता साहब, मैं बिल्कुल टाइम पर आया हूँ। पोपटलाल तुम लेट हो भाई। हाँ मैं बिल्कुल लेट नहीं हूँ। सप्तरंगी कहाँ है? अरे कहाँ है भाई सप्तरंगी? बबीता जी अय्यर साहब किधर है? सप्तरंगी आता ही होगा। अरे सप्तरंगी इधर है। अरे मैं आ गया, मैं आ गया। अरे शुभ, तुम इतनी देर कैसे हो गई दीदी? अरे कोई बात नहीं बबीता जी, ये मुंबई शहर है, यहाँ मोड़ पे ट्रैफिक बहुत होता है ना, तो हो जाता है लेट। चलो सत्तू भाई अभी आ गए तो चलो फटाफट शुरू करो। मैं कहाँ बैठूं भाई, यहाँ जगह ही नहीं है। अरे भाई ये टेबल है ना इतना बड़ा, बैठो क्या, लेट जाओ उधर। हाँ वैसे भी तुम लेट आए हो। सॉरी। सबको और एक साथ। तब तो हम सब लोग यहाँ पे आ गए, तो अब हमें जल्दी से हमारे घर के डिजाइन बताओ, अब इंतजार नहीं हो रहे हमसे। भाई मेरा इंतजार तो अब डबल हो गया, पहले शादी का और अब घर का। मेरा नया घर तो हो ही जाएगा। जेठालाल सीरियस हो जाओ भाई। हाँ मैं सीरियस ही हूँ। जेठालाल सारी पोपटलाल चलो चलो चलो। तो सभी अपना सांस थाम के बैठिए, मैं अभी फटाफट मस्त डिजाइन बताता हूँ। अरे सप्तांग ये प्रोजेक्ट का रिमोट है, आपके हिसाब से आप सबके घर का डिजाइन बनाया है और मैंने वास्तु का भी एकदम पूरा ख्याल रखा है। अरे टचवुड, आपके घर का डिजाइन ना खूब भालो बना है, हैं? अरे वाह दया, भालो मतलब समझ में आ गया ना? भालो मतलब भालो जैसा उड़ीदार। नहीं नहीं, भालो मतलब अच्छा। और आप सभी के डिजाइन के हिसाब से मैंने बजट भी बनाया है। मैंने बोलो बजट कितना है? अरे भीड़े भाई, आप पहले डिजाइन तो देखो, बजट की बात हम बाद में करेगा। महत्व पर ये जो मैं बताने जा रहा हूँ ये कच्चा डिजाइन है।
पर इसको देख के आपको रिनोवेशन का अंदाजा एकदम पक्का हो जाएगा। तो आप लोग सब तैयार हो जाइए, शुरू करता है रेडी। मेहता साहब ये आपके घर का डिजाइन। अरे क्या बात, वेरी गुड। Oh my God! ये आपका राइटिंग एरिया है और उसके ठीक सामने एक खिड़की है। अरे वाह! उस खिड़की से ताजा ताजा हवा आएगा और आपको ताजा ताजा विचार आएगा। क्या बात! और अपने बच्चे क्रिकेट खेलेंगे तो ताजी ताजी हवा के साथ बॉल भी आएगी जी। तो कैच कर लूंगा मैं। Oh my God, तारक, अपना राइटिंग एरिया कितना सुंदर है। क्यों भाई, लेखक का तो राइटिंग एरिया अच्छा होना ही चाहिए ना। और आपके राइटिंग एरिया के वॉल पे इंस्पिरेशनल कोट्स के कई सारे फोटो फ्रेम भी होंगे। बहुत बढ़िया डिजाइन है भाई, बहुत बढ़िया डिजाइन। आपके टेबल के पास यहाँ पे एक बुक शेल्फ भी आए। मेहता साहब, आपका किताब खाना तो बहुत एकदम बड़ा अलमारी जैसा हो गया है। बिल्कुल बिल्कुल जेठालाल भाई, एक लेखक के लिए किताबें ही तो उसका खजाना है, तो किताब खाना तो बढ़िया होना ही चाहिए। किताब खाना तो मस्त हो गया, अभी खाना भी अगर मस्त हो जाए तो मजा आ जाए नहीं जीवन में। दुखती रख बात रख दिया तुमने दोस्त। सॉरी। थैंक यू सो मच सप्तरंगी भाई, मैं बहुत खुश हूँ। सप्तरंगी भाई, बहुत बढ़िया डिजाइन बनाई आपने, बहुत बढ़िया बुक शेल्फ, बहुत बढ़िया राइटिंग एरिया। थैंक यू, थैंक यू। अंजलि भाभी, अब ये आपका किचन है। आपने जैसा कहा था वैसा, पहले से थोड़ा छोटा है। छोटा? Perfect. अंजलि भाभी, आपको इतना छोटा किचन चलेगा? अरे क्यों नहीं चलेगा दया भाभी, अंजलि को जैसे डाइट फूड बनाना है वैसे किचन भी डाइट कर दिया। बनना तो गाजर ककड़ी है वहाँ पे। वेरी फनी भाई। अंजलि मुझे तो ये बहुत अच्छा लगा, सब कुछ बहुत बढ़िया। तुम्हें अच्छी लगी कि नहीं डिजाइन? तारक आपको अच्छी लगी तो मुझे भी अच्छी लगी। क्या बात है भाई, तो सप्तरंगी भाई हमारे घर के डिजाइन फाइनल। डिजाइन बहुत अच्छा। थैंक यू, थैंक यू। इसे कहते हो सुभाष का शीघ्रम? नहीं नहीं, सुभाष का शीघ्रम नहीं जेठल, सुभाष से शीघ्रम। चलो भाई, अब मेरा नंबर, अब मेरे घर की डिजाइन दिखाइए। नहीं नहीं पोपट भाई, सब ऑर्डर के हिसाब से आएगा है। किसने ऑर्डर दिया? पोपट लाल, इस पे जैसा फीड किया होगा वैसे आएगा भाई, वैसे ऑर्डर वाइज है। अच्छा अच्छा ठीक है। अभी सोडी भाई के घर का डिजाइन है। ये लीजिए सोडी भाई। आपने जैसा कहा था वैसा मैंने गोगी का रूम बड़ा बनाया है। कई बहुत बढ़िया लग रहा है छोटी। छोटी भाई, हॉल में होम थिएटर कनेक्शन की जगह भी दी है। थिएटर और जैसा आपको चाहिए था हॉल में ये बार। वाह सप्तरंगी छोटी भाई, हमारा बात तो सुनिए, हमने हॉल में कोई बार नहीं बनाया है, वो तो हमने गोगी के लिए कंप्यूटर टेबल बनाया है। रोशन, तू क्या इतना खुश था? तू भी कमाल कर दिया, मैं तो मजाक कर रहा था यार। आजकल वो मजाक कर रहे ना। छोटी भाई, आपने कहा था वैसा आपका बेडरूम का डिजाइन भी एकदम सुंदर बनाया है। और रोशन भाभी, अब आप अपने किचन का डिजाइन देखिए। अरे वाह! और सप्तरंगी प्रा, मेरे दो कजन दलेर और परमिंदर लंदन साउथ हॉल में रहते हैं, मेरा किचन तो वहीं से ही आ जाएगा। वहाँ से क्यों? वो क्या है ना, जो दलेर है ना उसका काम यही किचन बनाने का है, तो सीधे वो वहीं से किचन यहाँ पे भेज देगा जी। अरे अब लंदन से किचन मांगवाएगा तो खर्चा कितना आएगा? हाँ सोनी भाई, और देखो सप्तरंगी प्रा, किचन तो हम लोग दलेर के पास ही मंगवाएंगे।
तो एक काम करते हैं सोडी भाई, आप उनके बनाए हुए किचन का डिजाइन का कुछ फोटोग्राफ यहाँ पे मंगवा लीजिए, हम हूबहू वैसे डिजाइन का किचन आपको यहाँ बना के देगा। हाँ, तो सरस आइडिया अच्छा है तो। अरे हाँ, ये भी तो हो सकता है। ओ ठीक है सतरंगी प्रा, और मैं उनसे वहाँ से डिजाइन मंगवा लेता हूँ। हाँ। सतरंगी भाई घर नू डिजाइन बहुत सरस है, एकदम दिल खुश थी गयु। अभी हम सब लोगों के घर का डिजाइन देखना बाकी है, वो सप्तरंगी को नीचे मत गिरा देना। हाँ गिर गया, सर बर पे चोट लग गई तो याददाश्त चली जाएगी भाई। और याददाश्त चली गई तो बजट भूल जाएगा। वो अभी जानना बाकी है ना। अरे नहीं गिराऊंगा, सोनी के हाथों में भैया। टू विकेट्स डाउन, सुभाष का दूसरा। चलो भाई अब तो मेरे घर का नंबर आ गया ना, बताइए मेरे घर की डिजाइन। अरे नाना नाना पोपट भाई, अभी तो हाथी भाई के घर का डिजाइन है। ओके, नो प्रॉब्लम, चलेगा। हाथी भाई अभी आपके घर का डिजाइन है। वेरी नाइसली एंड डिटेल्ड कोमल, मुझे तो बहुत अच्छा लगा। लवली लवली डिजाइन सतरंगी भाई, जस्ट लव्ड इट। थैंक यू सो मच सतरंगी भाई। हाथी भाई ये रहा आपका बेडरूम। क्या तुझे ना किसी के बेडरूम में नहीं जाना चाहिए ना, इसलिए उनका बेडरूम हम क्यों देखे। अरे डिजाइन है डिजाइन, फिर भी वाओ। हंस देखो तो कितना बड़ा क्लिनिक है, वेरी स्पेशियस ना। पर मम्मी हमारा किचन। अरे हाँ भाई सतरंगी भाई, किचन का तो आपने डिजाइन दिखाया ही नहीं, पहले वो दिखाई दे। पूरी बाबा आई एम सॉरी, वो तो मैं बनाना ही भूल गया। ये क्या किचन बनाना भूल गए। हाँ अरे भाई हाथी परिवार में किचन नहीं होना मतलब स्कूल में क्लासरूम नहीं होना। अरे वाह, किचन बनाना भूल गए। अरे होल्ड ना गोली बेटा, ये हमारा किचन भूल गए किचन। हाँ बेबी। हाँ अरे पापा तो अच्छा है ना, रोज होटल से खाना मंगवा पाएंगे। जागो पापा जागो। अरे कमन हंस ये क्या कह रहे हो, ऐसे थोड़े रोज रोज बाहर से खाना मंगवा सकते हैं। सप्तरंगी भाई व्हाट इज दिस। कोमल भाभी सॉरी, हम मजाक कर रहा था। अरे भाई देखिए किचन खोलने के मजाक मत कीजिए। ये रहा आपका किचन। अरे हाँ बात है, मतलब एक साथ छह छह डिशेस बन सकती है। अरे हाँ क्या बात है सतरंगी भाई, बहुत बढ़िया किचन बनाया आपने भाई। क्लिनिक का डिजाइन भी बहुत बढ़िया। अरे हाथी भाई पेशेंट आपका क्लिनिक देखकर ही ठीक हो जाएगा। सही बात है। तो हाथी भाई कैसा लगा आपको डिजाइन। वेरी नाइस डिजाइन सतरंगी भाई, हम सबको बहुत भालो लगा। थैंक यू। अच्छा बहुत अच्छा, वेरी गुड वेरी गुड। बबीता जी आपका सत्य भाई तो कमाल कर रहे हैं। थैंक यू सो मच। सबकी जरूरत के हिसाब से बढ़िया डिजाइन बना रहे हैं। बिल्कुल बहुत बढ़िया, शाबाश शाबाश सतपो भाई, लगे रहो। थैंक यू। सप्तरंगी नाम है मेरा, सबके जीवन में रोम भरना। चलो सप्तु बाबू अब तो आ गया ना मेरा नंबर, बताइए भाई। नहीं 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 नहीं, अभी हमारे गोकुलधाम सोसाइटी के सेक्रेटरी भीड़े मोसाई का घर। अरे
देखिए भाई, ये आपका हॉल है, यहाँ आपका सोफा आएगा और इस तरफ आपका टीवी होगा। ओके, ब्यूटीफुल। और माधवी भाभी, ये आपका किचन है। सोनू के लिए स्टडी टेबल प्लस कंप्यूटर टेबल एकदम टू इन वन है। ये देखो, अरे वाह सोनू, बगित लगा। अमेजिंग, पहले तो कंप्यूटर टेबल और स्टडी टेबल अलग था, अब दोनों साथ में ही। वेरी नाइस, गुड स्पेस मैनेजमेंट था शब्दू, वेरी नाइस। करेक्ट है। हाँ, अच्छी जगह बचा लिया आपने। और भी जगह बचाया है। आपका डाइनिंग टेबल मैंने दीवार पे कपबोर्ड के साथ अटैच किया है और हॉल में इससे और भी जगह बच जाएगा। अरे वाह, ये वाह है तो मस्त। वाह वाह वाह, सप्तरंगी बहू, जगह भी बचाई आपने और डाइनिंग टेबल भी आ गया। अच्छा, लेकिन एक बात पूछनी थी, इस्त्री का स्टैंड कहाँ रहेगा? ओ पटलाल, वो मैं डिसाइड करूंगा कि कहाँ रखना है। मजाक कर रहा हूँ भाई। ओ पिडो, स्टैंड तो कहीं भी रख, इस्त्री तो तुझे ही करनी है ना। थोड़ी एक मिनट नहीं, मुझे ये पूछना था सप्तरंगी भाई कि मैं क्लासरूम में बच्चों को बिठाऊंगा कहाँ, मतलब बेंच नहीं दिखाई दे रहे मुझे। अरे भीड़े भाई, उसकी आप टेंशन मत लीजिए, उसके लिए मेरे पास एक मस्त आइडिया है। मैं आपको घर के हिसाब से बाद में वो एडजस्ट करके दूंगा। अच्छा, पर बाकी मस्त किया है सप्तरंगी भाई, मस्त। हाँ सप्तरंगी भाई, डिजाइन वगैरह एकदम बढ़िया है ना माधवी, लेकिन बजट अहो। अब पिड़ो, अब फिकर मत कर यारा, और जैसे डिजाइन इतना बढ़िया शानदार है ना, वैसे बजट भी चंगा ही होगा। नहीं, चंगा होगा लेकिन महंगा नहीं होना चाहिए ना। मैं आप दिल थाम के बैठिए, अब मेरे ही घर का डिजाइन आने वाला है। क्यों सप्तू बाबू? अरे नहीं 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 पोपट भाई, अभी मेरी दीदी और जामाई बाबू के घर का डिजाइन है। हाँ बता बता बता। ओके अय्यर भाई, आपका नंबर। दीदी, ये आपके बेडरूम का डिजाइन है और आपने जैसा कहा था ना, वैसा मॉडर्न मॉड्यूलर किचन भी लगेगा। ओ हो हो, क्या बात है, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। शुभतू, एकदम परफेक्ट डिजाइन हुए छे। हां थैंक यू। क्या बात है यार, मस्त है। हां थैंक यू। दीदी, आपका घर बिल्कुल आपके जैसा मॉडर्न होगा। ओ थैंक यू। बराबर, बिल्कुल बराबर बोले। घर का डिजाइन तो बहुत ही एक्सेलेंट है, लेकिन एक रिक्वेस्ट है, क्या है कि मेरे बाथरूम की सीलिंग पर ऐसा प्लास्टर लगाना कि पोपटलाल के बाथरूम की टाइल्स में कुछ भी गड़बड़ हो, मेरे सीलिंग में लीकेज नहीं होना चाहिए। यार भाई। अरे जामाई बाबू, आप बिल्कुल चिंता मत कीजिए, ना तो पोपट भाई के बाथरूम के टाइल्स में से लीकेज होगा और ना ही आपका प्लास्टर का प्रॉब्लम होगा। देखा देखा, सुना सुना। थैंक यू सो मच। और जीजा जी, हमने जैसे बाद में डिस्कस किया था ना, आपके बैल्कोनी को घर के अंदर लाकर हॉल के एरिया को हम बड़ा कर देगा। गुड, वेरी गुड, बहुत अच्छा किया। एक मिनट, बालकनी को घर के अंदर लेके मतलब? मतलब बैल्कोनी को कवर करके हम उसे हॉल में ले लेंगे। मैं अभी आपको डिजाइन दिखाता हूँ। हाँ, 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 हाँ। जी की बालकनी कवर मतलब? ये क्या, बबीता जी की बालकनी कहाँ गई? हे भगवान, क्या अभी बबीता जी के दर्शन बालकनी में कभी नहीं होंगे? Yes, excellent, क्या बात है, बहुत बढ़िया। क्या हुआ जड़ला? ये गलत है। इसमें क्या गलत है जड़ला?
यार भाई, आप अपना रूम बड़ा करने के लिए बालकनी को अंदर लेके बालकनी में दीवार चुनवा देंगे तो बाहर से स्विमिंग का पूरा देखाव बिगड़ जाएगा। जेठा लाल, मैं अपने घर का बालकनी को कवर करूं, इसमें तुमको क्या प्रॉब्लम है? अरे यार, अगर तुम अपनी बालकनी को क्लोज कर दोगे तो सोसाइटी का एलिवेशन खराब दिखेगा भाई। हाँ। लेकिन आत्मराम, मेरे को अपने हॉल का एरिया बड़ा करने का है। अरे ऐसे तो कल को ये मेहता साहब भी अपना वो हॉल बड़ा करने के लिए सोसाइटी कंपाउंड को अंदर ले लेंगे। या हाथी भाई सोसाइटी कंपाउंड को अंदर लेके वो अपने छोटे से दवाखाने को बड़ी हॉस्पिटल में बदल देंगे। जनरल, ये क्या बोल रहे हो तुम? अरे क्या बोल रहे हो क्या? मैं कुछ गलत बोल रहा हूँ भाई? बिल्कुल सही बोल रहे हो भाई जेठालाल। भाई यार, भाई कैंसिल करो। अगर आपने अपनी बालकनी को एकदम ऐसे कवर कर दिया तो आपका घर बिल्कुल डिब्बे जैसा लगेगा। हाँ सही बात है भाई। तो जरा सोचिए, कल को लड़की वाले अगर मुझे देखने आएंगे और मेरा एड्रेस पूछेंगे कि भाई गोल्डन क्रो अवार्ड विनर वरिष्ठ युवा पत्रकार पोपटलाल कहाँ रहते हैं, तो अगला क्या जवाब देगा? कि वो जो वो पहले माले पे डिब्बे जैसा घर है उसके ऊपर वाला घर? तो वो लोग तो फिर मेरे घर पर ही नहीं आएंगे, तो नीचे से ही वापस चले जाएंगे। एक मिनट, पोपटलाल घर का डिब्बा भरनी कुछ नहीं बना सकते। और अय्यर भाई, बृहन मुंबई महानगर पालिका के नियमों के अनुसार आप बिल्डिंग के इलेक्शन के साथ छेड़छाड़ नहीं कर सकते। अरे बृहन मुंबई महानगर पालिका यांचा न्याय असो। हाँ अस्वस्थ अच्छा ना। देखिए बबीता जी, मुझे गलत मत समझना, लेकिन क्या अगर आप वो बालकनी में दीवार चुनवा देंगे तो आपका घर जेल जैसा हो जाएगा। फिर आपको अगर खुली हवा चाहिए होगी तो आपको सीधा अगस्सी पे जाना पड़ेगा। अगस्सी मतलब छत? छत अय्यर, टेरेस। ओहो, पर बबीता जी, हम सब लेडीज बालकनी में आके बातें करते हैं तो वो तो हमारा संपर्क टूट जाएगा। ऐसे तो हमारी दोस्ती के बीच दीवार आ जाएगी। हाँ, आप लोग सब सही बोल रहे हो। अब नो इश्यूज मेरे भाई, सोसाइटी का लुक और एलिवेशन खराब हो ऐसा कोई काम हम लोग नहीं करवाना चाहते। सब तो तुम हॉल का डिजाइन बदल दो। हाँ प्लीज। डोंट वरी दीदी, हो जाएगा। बबीता जी, हंचा विजय असो। ओके ओके, वेरी गुड। सब तो बाबू, अब तो आपको मेरे घर की डिजाइन ही दिखानी पड़ेगी भाई। अब मैं और इंतजार नहीं कर सकता। नहीं, अभी आपके घर का नंबर नहीं है पोपट बाबू मशाई, अभी तो जेठा भाई के घर का नंबर है। अरे नहीं नहीं, सत्तू भाई एक काम कीजिए, हमारा बाद में दिखा ना, पहले पोपटलाल का घर दिखा दीजिए। नहीं नहीं पापा, ऐसे ऑर्डर चेंज नहीं हो सकता। ओह अच्छा, सॉरी पोपटलाल। सॉरी हाँ पोपट भाई, सॉरी। नहीं नहीं कोई बात नहीं। ये देखिए जेठा भाई, ये आपके घर का डिजाइन है। बहुत बढ़िया है जेठा। हाँ बहुत मस्त बना है दया। वाओ, मस्त डिजाइन लग रहा है ना, है ना पापा? अरे टप्पू, सत्तू भाई बबीता जी के भाई है तो डिजाइन तो मस्त ही बनाएंगे ना, है बबीता जी? भैया हॉल कितना बड़ा लग रहा है, देखा तूने? हाँ एक्चुअली बाबू मशाई, आपको हॉल इसलिए बड़ा लग रहा है क्योंकि मैंने आपका बेडरूम का दीवार को तोड़ के हॉल को बड़ा किया है। ओहो, अरे वाह। देवो बच्ची जी, सत्रुजी भाई अपनी दीवार कब तोड़ दी? अरे दया बहन, हमने अभी तक तोड़ा नहीं है, तोड़ने वाला है ताकि आपके हॉल का एरिया बड़ा हो जाए। लेकिन सप्तरंगी भाई, एक शंका है, मतलब आप अगर दीवार तोड़ोगे तो बिल्डिंग कमजोर नहीं पड़ जाएगी? हाँ नहीं भीड़े भाई, बिल्डिंग बीम और कॉलम के सपोर्ट पे होती है, ये ब्रिक वॉल तोड़ने से कोई प्रॉब्लम नहीं होता है। अच्छा सत्यू भाई, एक बात पूछनी थी आपसे। पूछिए पूछिए। आपको हमारा हॉल बड़ा करने के लिए जो दीवार तोड़ने वाले है तो उससे हमारा बेडरूम छोटा नहीं हो जाएगा? नहीं जेठा भाई, आपका बेडरूम मैं इस तरह से डिजाइन करूंगा कि आपको जगह का कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। अरे वाह। ओहो, बबीता जी, दया भाभी, अब आपके घर में मस्त गरबा खेल सकते हैं। और जेठा भाई, ये आपका डाइनिंग टेबल, इस पे आपको फाफड़ा जलेबी खाने में ना खूब मजा आएगा। है
पता चल गया है फाफड़ा जलेबी के बारे में। बबीता जी आपने बताया होगा है ना, है ना? बहुत बढ़िया है, आपने बहुत बढ़िया किया सत्तू भाई। आप टप्पू और चाचा जी का कमरा। अरे वाह 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 वाह, यहाँ बेड होगा और यहाँ टप्पू के लिए स्टडी टेबल होगा। वाह सुपर डिजाइन लग रहा है, दादाजी को भी ये डिजाइन बहुत पसंद आएगी। हाँ तो ये डिजाइन कंफर्म? दया फाइनल टप्पो? हाँ, हाँ पापा फाइनल 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 फाइनल। थैंक यू जी, थैंक यू। सुभाष का अभी तो गिनती भूल गया। सत्तू भाई अभी और किसी का घर मत दिखाना, अभी सिर्फ पपटलाल का घर दिखाना। अभी उन्हीं का तो घर का डिजाइन बचा है। मालूम है मुझे। और पोपटलाल बाबू मशाई, ये है आपका ब्यूटीफुल किचन। अरे वाह वाह वाह। और हॉल में ये राइटिंग टेबल और उसके बाजू में न्यूज़पेपर का स्टैंड। और मैं सोच रहा था कि हॉल में बड़े बड़े पत्रकारों की तस्वीरें भी लगाओ, कैसा रहेगा? वाह वाह वाह, फर्स्ट क्लास आइडिया है, मुझे उनसे प्रेरणा मिलती रहेगी। तो दूसरा क्या है पोपटलाल, कोई भी तुम्हारे घर पे आएगा उसको तुरंत पता चल जाएगा कि ये किसी पत्रकार का ही घर है। सही बात है, सिर्फ पत्रकार नहीं जेठालाल, मैं गोल्डन क्रो अवार्ड विनर वरिष्ठ युवा पत्रकार। ओ सुंदरी कवाड़ा विसरू नको बाबा। पोपट भाई जैसा आपने कहा था वैसे आपकी बेडरूम का ये डिजाइन, ये आपका बेड के पास में स्टडी लैंप, यहाँ आपका अलमारी होगा, यहाँ आपका स्पेशल छाता स्टैंड। मैं देखा आपका स्टैंड भी है इसमें। और ये आपका सिंगल बेड, कैसा लगा आपको डिजाइन पोपट भाई? वाह 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 पप्पू, और तेरे घर का डिजाइन बहुत बढ़िया है। और लड़की वाले आएंगे ना तो घर को देख के एकदम खुश हो जाएंगे। नहीं 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 भाई, नहीं होंगे खुश। क्यों? अरे भाई बेड इन्होंने सिंगल ही बनाया है। पप्पू तू सिंगल है तो बेड भी सिंगल ही होगा ना। अरे भाई सोड़ी मैं अभी सिंगल हूँ, लेकिन शादी के बाद तो डबल बेड की जरूरत पड़ेगी ना। भाई सत्तू बाबू आप अभी इसे डबल बेड के हिसाब से डिजाइन बनाइए भाई। लेकिन पोपटलाल उसमें एक जोखिम है। क्या जोखिम? मान लो लड़की वाले तुम्हारे घर आए और उन्होंने ये डबल बेड देखा तो उनको शंका हो सकती है कि भाई आदमी सिंगल और बेड क्यों डबल। तो भाई एक काम करो, आप बेड ऐसा डिजाइन करो कि अभी सिंगल हो और शादी के बाद डबल हो जाए। ओके ओके मैं कोशिश करूंगा। भाई सप्तरंगी भाई आप मेरा घर ऐसा डिजाइन करो कि नए घर में जो भी लड़की वाले मुझे देखने आए नया घर देखते ही शादी के लिए हाँ कर दे। अरे पोपट भाई हम घर का ऐसा डिजाइन करेगा कि आपका और मेरा दोनों का शादी हो जाएगा। लड़की लड़की से। अरे चलाल। अरे नहीं 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 नहीं, एक ही लड़की से नहीं, हम भी उनकी तरह शादी के लिए बेकरार है। तो पोपट भाई आपके घर का डिजाइन फाइनल? अरे एकदम एकदम फाइनल फाइनल। अरे एक मिनट एक मिनट पोपट अंकल, अभी तक क्लब हाउस के डिजाइन देखने बाकी है। अरे हाँ। अरे हो। अरे हाँ हाँ। अरे मैं बैठो बैठो बराबर बैठो बैठो बैठो। और अब आप सभी के क्लब हाउस का डिजाइन। यस मजा आ जाएगा। इसमें आपके खेलने का एरिया है, आपकी सोसाइटी की मीटिंग का एरिया है और कोई भी प्रोग्राम करने का परफेक्ट स्टेज एरिया है। बबीता दी ने हमको बताया है कि आप लोग गोकुलधाम सोसाइटी में सभी उत्सव बहुत धूमधाम से मनाते हैं। तो कभी कोई खुशी का मौका हो और बाहर कड़कती धूप हो या जोरदार बारिश हो तो आप अपना प्रोग्राम ये क्लब हाउस में कर सकते हैं। क्लब हाउस में लाइट और म्यूजिक सभी का कनेक्शन दिया है। और टप्पू सेना
यहाँ तुम्हारे सभी गेम्स खेलने के लिए बहुत जगह है। सुपर डिजाइनर, थैंक यू। अरे शतरंगी नाम है मेरा, सबके जीवन में रंग भरना। जबरदस्त, वाह 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 सत्तू भाई, क्लब हाउस की डिजाइन भी बढ़िया बनाई और हम सबके घर की भी डिजाइन एकदम भालू बनाई। भालू नहीं, भालू। तुझे इतना मुंडली कैसे आता? नहीं इतना नहीं, एवढंच। अरे एवढंच करून फारच येते। ओए सतरंगी ब्रा, हम सबके घर के डिजाइन एकदम चकाचक लाजवाब शानदार है। अब एक काम करो, आज ही आज के अभी काम शुरू कर दो। अरे एक मिनट शांति रखिए, एक मिनट मेरी बात सुनिए। देखिए नहीं, ये सब अच्छा है कि डिजाइन अच्छे है, सबको पसंद भी आया है, सब खुश भी है, लेकिन ये खुशी तभी बरकरार रहेगी जब बजट भी अच्छा हो। तो सबसे पहले बजट जान लेते हैं, है ना? हाँ बजट तो रह गया, वो नेसेसरी है। वो टप्पू, अभी बजट की बात होने वाली है, हम चले क्या? हाँ चलना, कुछ बाहर से शेवपुरी वगैरह खा के आते हैं। हाँ ठीक है पापा, आप लोग बजट की बात कीजिए, हम लोग चलते हैं। चलो चलो बाय बाय। जासी लान का जाओ, ए जबरदस्त था ये। हाँ बराबर है, आप लोग पहले बैठ जाइए, हम अभी आप सभी लोगों को बजट के बारे में बताता है। हाँ जी सतरंगी भाई, आप बजट बताइए सबसे जरूरी। हाँ बताइए बताइए। मेहता साहब, आपके घर का बजट है? मेहता साहब के घर का बजट मतलब हम सबके घर के बजट अलग अलग है? हैं पोपट बाबू मशाई, आप सबके घर का रिक्वायरमेंट अलग अलग है, तो आप सबके घर का चॉइस और रिक्वायरमेंट के हिसाब से आपका बजट भी अलग अलग है। और मैं आप सभी लोगों से बहुत प्यार करता हूँ, इसीलिए आप सभी के घर को मैं अपना घर समझ के बनवाऊंगा, और इसीलिए इस प्रोजेक्ट पे मैं अपना कोई मार्जिन बिल्कुल नहीं रखूंगा। चले सत्तू भाई, ये बराबर नहीं है। माना क्या बबीता जी के भाई है, लेकिन क्या मेरा ऐसा मानना है कि काम धंधे में रिश्तेदारी बीच में नहीं आनी चाहिए। क्या आप इतनी मेहनत करो और दो पैसा अगर आपको ना मिले तो वो तो बराबर नहीं है, क्यों बबीता जी? ऑफ कोर्स, हाँ सप्तु भाई, हमें आपका नुकसान करके हमारा फायदा नहीं करना है। हाँ जेठा बिल्कुल सही कह रहे हैं भाई। सतरंगी भाई, आपका जो भी मार्जिन हो आप बजट में जोड़ के बताएंगे तो ही हम एक्सेप्ट करेंगे, नहीं तो नहीं करेंगे। अरे हाथी भाई, लेकिन 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 कुछ नहीं सतरंगी भाई, आपको हम सबके कैसा? अच्छा ठीक है बाबा, ठीक है, आप लोग इतना कह रहा है तो हम अपना रेगुलर मार्जिन नहीं लगाएगा, हम एक ठो रीजनेबल मार्जिन लगाएगा, ठीक है? हाँ ये बर है। तो मेहता साहब, आपके घर का बजट है 460,000 रुपया, ठीक है? 460,000? अरे वाह, मैं बिल्कुल 4 से 5 के बीच में सोच रहा था कि इतना ही होना चाहिए। आपका तो बराबर फिट बैठ गया। हाँ। और हाथी भाई, आपका बजट है 640,000 रुपया, ठीक है? हाँ ठीक है। No problem, very nice. सोडी भाई, आपके घर का बजट है 500,000 रुपया। पोपट भाई, आपका 320,000 रुपया, ठीक है? ठीक है। और जेठा भाई, आपके घर का बजट है 990,000 रुपया। ठीक है, 990,000। ओ एक्चुअली जेठा भाई का दो दो फ्लैट है ना, इसीलिए। हाँ तो दो फ्लैट के हिसाब से तो बहुत वाजिबी है, बहुत ही बहुत। सप्तरंगी भाई, हमारे घर का बजट बताइए ना जल्दी से। हाँ 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 अभी बताता हूँ, 400,000 रुपया। ओके भाई, 4,00,000। अरे सतरंगी, हमारा बजट तो बताओ। वो मैंने नहीं बनाया है। अरे हम अपने बहन से पैसा थोड़ी ना लेगा। ना 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 ना, ना। ए, क्यों सप्तू, हमारा बजट बनाओ नहीं तो हम लोग काम ही नहीं करवाएंगे। हाँ अरे दीदी, तुम की बोल छो? देखो सतरंगी, बजट नहीं दोगे तो हम काम नहीं करवाएंगे। अरे जामाई बाबू, लेकिन अच्छा अच्छा ठीक है, हम हिसाब कर।
अंदाज से कुछ 4,10,000 होता है। ओके नो प्रॉब्लम। ठीक है सप्तरंगी भाई, बस एक छोटी सी क्वेरी है। अभी तो आपने बजट बता दिया बहुत बढ़िया, लेकिन ये काम जब शुरू हो जाएगा तो बजट कुछ ऊपर नीचे तो नहीं होगा? हाँ भाई, बजट नीचे होगा तो चलेगा, ऊपर होगा तो प्रॉब्लम हो जाएगा। अरे नाना, कोनो बजट ऊपर नीचे नहीं होगा, ये सब हमारा गारंटी है। थैंक यू सप्तरंगी भाई। वेरी गुड सप्तरंगी भाई। भाई आप सब लोगों को अगर बजट ठीक लग रहा हो तो हम सब कुछ फाइनल कर देते और काम कब और कैसे शुरू करना है बता देते। बराबर है मेहता साहब, एकदम बराबर है। हाँ सप्तरंगी प्रा, तुझे आज के आज काम शुरू कर दो भाई। हाँ बराबर, फाइनल फाइनल। सप्तरंगी प्रा यार इतना अच्छा डिजाइन है। एक मिनट। सप्तरंगी भाई, मैंने जो अपना बजट बनाया है उसके हिसाब से ज्यादा 3,00,000 तक खर्च कर सकता हूँ। आपने जो बजट बताया उसमें 1,00,000 रुपए ज्यादा है, जो मेरे लिए थोड़ा मुश्किल हो जाएगा। अगर आप कुछ कम कर सके तो। हीरे भाई, मैं अपना मार्जिन छोड़ देता हूँ। अरे नहीं 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 सप्तरंगी भाई, आपका नुकसान करवा के मैं रिनोवेशन नहीं करना चाहता। अरे भीड़े भाई, ये हमारे घर की बात है, हैं? गोकुलधाम सोसाइटी की बात है। नहीं बराबर है सप्तरंगी भाई, लेकिन क्या मेरे भी कुछ उसूल है, जितनी चद्दर हो उतने ही पैर फैलाने चाहिए। ठीक है कोई बात नहीं, मुझे रिनोवेशन नहीं करवाना। अरे तू ऐसे जल्दबाजी में कोई फैसला मत ले भाई। देखो भिड़े, आज नहीं तो कल तुम्हें तुम्हारे घर में रिनोवेशन कराने की जरूरत तो पड़ेगी। हाँ। नहीं मेहता साहब, आपकी बात बराबर है, लेकिन अभी मेरा इतना बजट नहीं है। हाँ तो जो 1,00,000 रुपए तुझे कम पड़ रहा है वो अभी मैं दे देता हूँ। हाँ। तुम मुझे पैसे क्यों दोगे? मतलब भाई मैं उधार दूंगा, तू बाद में थोड़ा थोड़ा करके चुका देना। नहीं थैंक यू जेठालाल, लेकिन मुझे पैसे उधार लेके रिनोवेशन नहीं करवाना। पर आप लोग अपना अपना घर रिनोवेट करवाइए, हम लोग बाद में रिनोवेट करवाएंगे। नहीं नहीं माधवी भाभी, हम सब लोग अपने घर का रिनोवेशन करवाएंगे, ये हम सबका सामूहिक फैसला था। इसलिए अगर भिड़े तुम अपने घर का रिनोवेशन नहीं करवाओगे, हम में से कोई भी अपने घर का रिनोवेशन नहीं करवाएगा। क्या बोलते हो दोस्तों? करवाएंगे तो साथ में करवाएंगे, वरना कोई नहीं करवाएगा। सही बात है, हम भी रिनोवेशन नहीं करवाएंगे। करवाएंगे तो साथ में करेंगे, वरना कोई नहीं करवाएगा। अरे अरे आप सब ऐसा मत कीजिए, हम कुछ समय बाद रिनोवेशन करवा लेंगे ना। हाँ नहीं नहीं, हम गोकुलधाम वाले खुशियाँ हो या टेंशन हो, हर हाल में एक दूसरे का साथ देते हैं। अरे लेकिन भाई कैंसल कैंसल कैंसल, हमारे सबके घर के रिनोवेशन की बात अभी कैंसल। अब समझाइए ना सबको, हमारी वजह से कोई रिनोवेशन नहीं कर रहा है। हाँ देखिए प्लीज आप ऐसा मत कीजिए, देखिए हमने कहा ना कि हम लोग कुछ समय पर रिनोवेशन करवा लेंगे। हाँ। और सप्तरंगी भाई ने इतनी मेहनत से सबके घर के डिजाइन बनाए हैं, उनकी मेहनत बेकार जाएगी। नो प्रॉब्लम भीड़े भाई, इट इज ओके, आपकी सोसाइटी में सब लोग एक दूसरे से कितना प्यार करते हैं ये देखकर मुझे बहुत अच्छा लगा। और आपके रिनोवेशन का डिजाइन ना मैं सेव करके रखूंगा, आप जब भी बोलेंगे तभी ये डिजाइन का रिनोवेशन होगा। I'm sorry, हमारी वजह से आप में से किसी के भी घर का रिनोवेशन। सॉरी को समझाइए ना, मुझसे पैसे ले ले। नहीं जेठालाल कोई फायदा नहीं है, भिड़े बहुत स्वाभिमानी व्यक्ति है, उसे इस तरह से उधार लेना अच्छा नहीं लगेगा। चलो हम लोग भी चलते।
मुरली मनोहर, ये क्या हो गया? हमारे घर को नया बनाने का सपना बिखर गया। क्या हुआ, हंस क्यों रही है? मैं नहीं हंस रही हूँ। तो ये तो सत्तू भाई का फोन हंस रहा है। फोन? कोई झोंक आया होगा फोन पर। रेवतीलाल जी नमस्ते, कैसे हैं? अरे मैं तो ठीक हूँ सप्तलिंग भाई, आपसे एक मदद चाहिए थी। हैं दादा, बोलूँ कैसी मदद? क्या है, मैं अपनी दुकान बंद करके दुबई शिफ्ट हो रहा हूँ। चलो अच्छा है, बोलो मैं तुम्हारे लिए क्या कर सकता हूँ? तुम्हें मेरे बिल्डिंग मटेरियल का माल खाली करने में मेरी मदद करनी होगी, इसलिए मुझे 3 दिन में पूरा गोडाउन खाली करना है। 3 दिन में कैसे होगा? अरे भाई मुझे पता है टाइम कम है, इसलिए मैं सारा मटेरियल 40% डिस्काउंट में बेच रहा हूँ। 40% डिस्काउंट? ओके ओके ओके, तुम बिल्कुल फिक्र मत करो, मैं तुम्हारा माल एकदम बिकवा दूंगा। हाँ ओके थैंक यू। हाँ ओके ओके, ठीक है ठीक है, बाय बाय। अरे बबीता दीदी आइए, जाए बाबू, रुको रुको, अरे आप सभी रुको रुको। ओके हो गया, अरे आप सभी के घर का रिनोवेशन होगा। पर बजट? अरे बजट का प्रॉब्लम सॉल्व हो गया है। वो कैसे? हाँ वो वो सबको मैं एक साथ बताऊंगा। अरे इधर आइए, अरे अरे डॉक्टर हाथी, अरे सोनी भाई इधर आओ, अरे जेठा भाई दया बहन इधर आओ, अरे मेहता साहब अंजलि भाभी इधर आओ, अरे पोपट भाई इधर आओ, इधर आओ, पता नहीं क्या हुआ, इधर आओ, तात्या आशो, जल्दी आओ जल्दी आओ, बताओ बताओ जल्दी आओ। क्या हुआ क्या हुआ, कैसे उनके होया यार? हाँ अभी बताओ सब, तो की बात क्या है? पहले माधवी भाभी और भिड़े भाई को तो बुलाओ। हमारे रिनोवेशन का प्रॉब्लम सॉल्व हो गया है। हाँ। नहीं 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 भाई, मुझे किसी से भी उधार लेके कोई काम नहीं करवाना है। हाँ? अरे भाई तुझे किसी से उधार लेने की जरूरत नहीं पड़ेगी, या सतपू भाई ने बजट में कुछ झोल की है। हाँ? हाँ? मतलब बजट का जो भी प्रॉब्लम है उसका हल निकाल लिया है। हाँ? तू जल्दी नीचे नीचे। ओ अच्छा, आते आते थैंक यू मुरली वाले, आपकी कृपा से हमारे घर को नया बनाने का सपना पूरा होगा। और जब तक पिड़ू आ रहा है तब तक हमको तो बता दे यार। अरे हैव पेशेंस, पहले भीड़े भाई को तो आ जाने दो। आ गया आ गया, आ जाओ जल्दी जल्दी आ जाओ। अरे आ जाओ। अबे ओए सप्तरंगी ब्रा, अब तो सब आ गए, अब फटाफट बता दे नया आइडिया क्या है यार। हां भाई बता दो भाई। हैं बाबू मशाई, मेरा एक दोस्त है रेवतीलाल रेती वाला, वो बिल्डिंग मटेरियल सप्लाई है। अभी वो क्या कर रहा है, इधर का दुकान को बंद करके वो दुबई शिफ्ट हो रहा है, इसीलिए वो अपने दुकान का सामान जल्दी से जल्दी बेचना चाहता है, यहाँ तक कि 40% डिस्काउंट देने के लिए भी तैयार है। 40%? ओहो, 40%? ओहो, क्या बात है बोलिया। तो अगर आप अपना सारा सामान जैसे रेती सीमेंट ईट वाटरप्रूफिंग टाइल्स पीओपी प्लाई वगैरह आज ही खरीद लेंगे तो आपके मटेरियल का जितना भी बजट है उसमें से 40% यूं ही कम हो जाएगा। गुड, 40% का डिस्काउंट हमें मिलेगा, फिर काम बहुत सस्ता पड़ेगा और रिनोवेशन आपके बजट के अंदर हो जाएगा। हाँ, मतलब ओवरऑल बजट पे 40% डिस्काउंट हो गया। हाँ। एक मिनट सतपू भाई, ये आपका दोस्त 40% डिस्काउंट दे रहा है तो माल तो 19-20 नहीं होगा ना? हाँ। अरे जेठा भाई माल में बिल्कुल 19-20 नहीं होगा, उसकी गारंटी मैं देता हूँ। हाँ। हाँ। आप गारंटी ले रहे था फिर ठीक है, हम आँख बंद करके माल ले सकते हैं, क्यों भिड़े? अरे भाई सप्तरंगी भाई, आपने तो हम सबका प्रॉब्लम सॉल्व कर दिया भाई। मतलब अब तो रिनोवेशन होगी ही रहेगा। वाह बबीता जी, वाह आपके भाई को मानना पड़ेगा। थैंक यू जीठा जी। ये लाल हर बार बोलते हो कि बबीता जी आपके भाई को मानना पड़ेगा, कभी मेरे को नहीं बोला,
अय्यर भाई आपके साले को मानना पड़ेगा। सही बात है। बाबू रिसाई गयो। अरे अय्यर भाई इसमें तो आपको मानना पड़ेगा क्योंकि साले के मामले में तो आप जबरदस्त बाजी मार गए। वैसे साले के मामले में आपकी तकदीर भी कुछ कम थोड़ी ना है टप्पू के पापा। अरे मेरे साले के मुकाबले तो दुनिया का कोई साला नहीं आ सकता। अरे सुनिए सुनिए सुनिए, अगर डिस्काउंट चाहिए तो मेटीरियल आज ही खरीदना पड़ेगा ताकि कोई और फायदा ना उठा ले। हाँ बिल्कुल तैयार है हम लोग। ओके तो फिर मैं रेवती लाल को बोल देता हूँ। हाँ तुरंत तुरंत बोल दीजिए आप। हाँ बोलो सप्तरंगी भाई। हैं रेवती भाई, अरे तुम्हारा काम हो गया है। हैं अरे काफी मटेरियल हम आज के आज ही खरीद लेगा। क्या बात है सप्तरंगी भाई, क्या बात है। ओके ओके बाय बाय। अच्छा सुनिए, रेवती लाल को पेमेंट आज ही देना होगा। हाँ तो ठीक है ना, हम सब लोग अभी चेक दे देते हैं आपको। हाँ अच्छा तो आप सब मुझे अभी मटेरियल के लिए 1,00,000 का चेक दे दीजिए, बाद में हम फ्लैट वाइज हिसाब कर लेंगे। बराबर। हाँ। और अभी जो मुझे सबसे पहले चेक देगा उसको मेरी तरफ से 10,000 का स्पेशल डिस्काउंट। ओहो 10,000 रुपए का डिस्काउंट। मतलब देखना है आप सब में से सबसे ज्यादा जोशीला कौन है जो ये इनाम जीतता है। अरे अरे जाओ जाओ भागो। अरे वो चेक किसके नाम लिखना है। हाँ हाँ वो तो बताओ। अरे हाँ 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 ना बोल। अरे रेवती लाल, रेती सीमेंट प्लाईवुड वाला कंपनी। हाँ चलिए चलिए चलिए। अरे भाई इतना बड़ा नाम कैसे याद रहेगा। हाँ तुझे याद रहेगा नाम। हाँ हाँ रेती लाल सीमेंट वाले। अरे भाई रेती वाला बोला तो क्या सीमेंट बीच में ला रही है। अरे कोई प्रॉब्लम नहीं है, मैं आपको उनका नाम SMS कर देता हूँ। अरे आप लोग सोच क्या रहे हैं। अरे जल्दी जल्दी भागो। जल्दी जल्दी रेतीला रेती सीमेंट प्लाईवुड वाला कंपनी। रेतीला रेती सीमेंट प्लाईवुड वाला कंपनी। टपकी पापा ये लीजिए पेन पेन। और चेकबुक कहाँ। आपके हाथ में तो है। अरे ये खलास हो गई है, इसके बाद वाली नई वाली चेकबुक कहाँ है। वो तो ढूंढनी पड़ेगी। अरे तो तेरी चेकबुक दे। अरे वाह नाम का मैसेज भी आ गया। ये लीजिए। हाँ हाँ ये पकड़ ये पकड़। हाँ ऐसे ही पकड़। जल्दी से साइन कीजिए साइन कीजिए। अरे एक मिनट पहले नाम लिखना पड़ेगा। लिखना सबसे पहला चेक मेरा ही पहुँचेगा। अरे चेक लिखना तो मेरे बाएं हाथ का खेल है। लेकिन आप तो दाएं हाथ से लिख रहे हैं। पेन चल क्यों नहीं रहा है। ये सब आपके जमाने के पेन है। अरे काय करता है देवा। नंबर जरा एक दूसरा पेन लो दूसरा पेन लो। अंटे अंटे बाबा। अरे ये भी नहीं चल रहा है माधवी। अरे राम हरिया फांस, हम लोग नीचे रहते तो सबसे पहले चेक हम लोग दे आएंगे। सही बात है, इनाम तो हम ही लोग जीतेंगे। कोमल मैंने पूरा चेक भर दिया है, अब किस नाम से चेक बनाना है वो मैसेज आ जाए। क्या हुआ कोमल, फोन की पूरी बैटरी उतर गई है, जल्दी चार्जर लेके आओ। अभी ला क्यों? ये किसका फोन है। हेलो रॉन्ग नंबर। अरे पूछ तो लीजिए कौन है। अरे इस वक्त जो भी फोन है वो रॉन्ग नंबर है भाई। वो नाम याद है क्या था। रेतीलाल। रेतीलाल आगे सोचो। अरे वो SMS भी नहीं आया अभी तक। क्या 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 भर के पंजाब मेल की तरह भागूंगा, इनाम तो मैं ही जीतूंगा। सुनिए जहाँ आंकड़े भरते थे वहाँ पे शब्द भरती है, क्या शब्द भरते थे वहाँ पे आंकड़े भरती है। $10,000 का डिस्काउंट मुझे ही मिलेगा। सप्तू बाबू, ओ सप्तू बाबू जल्दी जल्दी। अरे छापा कहाँ फंस गया। अय्यर भाई, वाह अय्यर भाई, अय्यर भाई। पापड़लाल को क्या हुआ। अरे जल्दी एक मिनट बाहर आइए। अरे क्या है पापड़लाल। अरे अय्यर भाई मेरा छाता फंस गया, जरा निकाल दो ना। अरे ऐसा क्या कर दे हो तुम। अरे जल्दी 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 अय्यर भाई। यार
अरे बबीता चलो चलो जल्दी चलो सत्तू बाबू आपका चेक रेडी है, चेक खाते के अंदर है, ले लीजिए। अरे आपका डिस्काउंट मेरा ना। थैंक यू दोस्त, आज तेरी वजह से मुझे 10,000 का फायदा हो गया। लेकिन क्या हुआ, मेरी चप्पल वहाँ पे रह गई, उसके चक्कर में लेट हो गया। ये तो मैं पहले मैं ही चप्पल देने वाला था, चेक देने वाला था। यार तुम लोग बहस क्यों कर रहे हो? ये सप्तरंगी बताएगा कि सबसे पहले इधर कौन पहुंचा और उसी को मिलेगा डिस्काउंट। बिल्कुल सही कहा सोड़ी तूने, डिस्काउंट तो सिर्फ फर्स्ट आने वाले को यानी कि मुझे ही मिलेगा। ए, पोपो माल है, तू अब तक ऊपर क्या कर रहा भाई? हाँ पोपटलाल बाबू मशाय का चेक सबसे पहले आ गया। कैसे? हाँ कैसे? पोपटलाल बाबू मशाई ने छाते के अंदर चेक डाल के नीचे मुझ तक पहुंचाया है। ये देखो। यो दिमाग दुलाया है। अरे यह तो चीटिंग है, चीटिंग। हाँ कैसी चीटिंग? भाई पोपटलाल के लिए शादी और जंग में सब जायज है। असला मानूस है यार, छाते से क्या क्या काम करवाता है ये? बस कुछ नहीं। ओ पप्पू तू तो भागे भी नहीं, रेस जीत गए यार। हाँ पर पोपट बाबू मोशाई आपकी मेहनत ना बेकार गई। क्यों? क्योंकि मैं मजाक कर रहा था। कमाल है भाई। मजाक? क्या मजाक भाई, ऐसा थोड़ी चलता है। रुको रुको मैं नीचे आता हूँ, रुको। अरे आप कैसी बातें कर रहे हो सप्तरंगी भाई, मजाक आपके मजाक के चक्कर में शर्ट फट गया मेरा यार। अरे शर्ट के मैं अरे राउदे कसलो पानी मांगता है, किसने बोला चक्कर आई मुझे? मैं चप्पल पहन रहा था तुम्हारे से कंधे का सहारा लेके। अरे मेहता साहब आप अपने शर्ट की क्या बात कर रहे हो, मैं अभी दादर उतर रहा था तो गिरते गिरते बच गया। जेठा ब्रा तुम दादर कब गए थे? दादर मतलब सीढ़ी सोड़ी। ओ ऐ वाली सीढ़ी? नहीं नहीं भाई नहीं नहीं चलेगा भाई, मजाक कर रहा था। मतलब क्या क्या मजाक कर रहा था भाई, मैंने इतना बड़ा रिस्क लेके मैंने अपने छाते की मदद से चेक किए नीचे भिजवाया, मेरे छाते को कुछ हो जाता तो। अरे छाते को चलो पोपटलाल, यहाँ दौड़ते दौड़ते मेरी छाती फूल गई। ओ सॉरी सॉरी हाथी भाई, मजाक करते वक्त मुझे आपका ख्याल नहीं आया कि आपको तकलीफ हो सकती है। नहीं 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 सॉरी वॉरी कुछ नहीं भाई,
अभी आपको मुझे 10,000 का डिस्काउंट देना ही पड़ेगा। अरे मैं किधर से दूं? भाई वो सब मैं कुछ नहीं जानता, वो मजाक करने के पहले सोचना चाहिए था। दीदी अरे अरे पटवाल क्या कर रहे हो, छोड़ो यार, क्या बचपना कर रहे हो? अरे क्या छोड़ो और क्यों छोड़ो, और अगर वैसा है तो तुम दे दो 10,000 रुपए। सत्पु भाई एक काम करो, आप वो जो 40% डिस्काउंट देने वाले थे ना, वो इसको मत दो, खाली 10,000 दे दो। मान गया भाई, मैं मान गया, मुझे 10,000 नहीं चाहिए भाई। चेक दे दो, सत्तू भाई सबके चेक ले लो।